वो आदमी धनभागी है जिसको कोई ब्रह्मवेता स्वीकार कर ले। जय राम जी की। भगवान शिव कहते हैं कि कोई शिव की पूजा करे, कोई विष्णु की पूजा करे, लेकिन जब तक गुरु तत्व को नहीं जाना तो अभी बालक। जो गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े सुने हैं वे लोग इस बात को जानते हैं कि गुरु नानक के बाद गद्दी पर गुरु अंगद देव आए थे। अंगद देव की पुत्री बीबी अमरो जहां बिहाई थी वो अमरदास का भतीजा था। अमरदास खुद गंगा स्नान करने के लिए 23 बार गंगा नहाए थे, पैदल जाते थे, 6-6 महीने की यात्रा करते। 24वीं बार जब गंगा नहाने को आ रहे थे तो रास्ते में कोई ब्रह्मचारी मिला, बन गए मार्ग के मित्र। गंगा नहाकर जब जा रहे थे तो अमरदास का गांव नजदीक था, ब्रह्मचारी का गांव दूर का था। अमरदास ने उनको कहा, भैया रात भर रह ले यहां, भोजन हुआ खटिया ब्राह्मण में लाए। बात होते होते ब्रह्मचारी ने पूछ लिया अमरदास से कि तुम्हारा कोई सदगुरु है? बोले, सदगुरु तो नहीं। अरे सत्य का अनुभव करा दे, तुम देह नहीं हो, तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम चित्त नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो, तुम जो हो उसका उपदेश दे अथवा उसकी अनुभूति कराने में मदद कर दे, ऐसा तुम्हारे जीवन में कोई सतगुरु नहीं? वो आदमी तो बड़ा निराधार है। बोले, नहीं मैं तो व्रत करता हूँ, उपवास करता हूँ, मेरी 50 साल की उम्र हो गई, तो सतगुरु। ब्रह्मचारी बिगड़ गए, धत तेरे की, पहले बताया नहीं, निगुरे तेरे घर की रोटी खाए, अब तेरे यहाँ हम रात क्यों खराब करेंगे? ब्रह्मचारी ने अपना झोला झंडा, आप लोग तो जानते कैसे अटका जोगी फटका छाला जतका झाला उतका खाला, अपना लिया बगल में तो और चला जोगी। अमरदास कहते, रात को कहाँ जाओगे जंगल? बोले, जंगल में मर जाऊं तो अच्छा, लेकिन मैं एक बार मृत्यु होगी, निगुरे के संग में बार बार मृत्यु होगी, जा निगुरा मैं तेरे पास नहीं रहता हूं। चोट कर दी उस ब्रह्मचारी। गंगा माई का स्नान न जाने किस रूप में उसका पुण्योदय करा रहा है, क्या वह सुकृत काम करता है। ब्रह्मचारी तो चला गया, लेकिन उसके जो दो वचन थे अमरदास के चित्त को झकझोर दिया। करवटी ले रहे कि जा रहे निगुरे, तेरे घर का क्या खाऊं, अकेले मर जाना अच्छा जंगल में, लेकिन निगुरे का संग अच्छा नहीं, ये वो करते हुए चले गए। रात भर करवटे लेते गए, सुबह हुआ, आज तक तो बीबी अमरो पढ़ती थी जप जी सुखमनी आदि, ठीक है पढ़ती रहे, लेकिन वो ब्रह्मचारी के महीने के बाद महीना मिल गया ना, वो आके बैठ गए बहुरानी के पूजा के कमरे के नजदीक। सुना, जेको जन्म मरण ते डरे साध जिना की शरणी पड़े, जेको अपना दुख मिटावे साध जिना की सेवा पावे, आदि आदि झर झर आंसू बहे। बीवी अमरो जब अपना पाठ पूट करके निवृत्त हुई तो बोले, तुम मेरे को अपने पिता के पास ले चल। बोले, मेरे पिता नहीं, अब तो वो सतगुरु हैं, वहां अब लाग वग नहीं चलेगी, आप चले, मैं प्रार्थना करूंगी, अगर उन्होंने आपको स्वीकार कर लिया तो देंगे नाम दान मंत्र आदि। बीबी अमरो ले गए अमरदास जी को। अंगद देव जी ने कहा कि रात भर प्रायश्चित से शुद्ध हो गए। अमरदास ने गंगा नहाई है, सत्कर्म तो किया है, सात्विकता तो आई है, अब गुणातीत ही होना है उनको, उनका रजोगुण तमोगुण तो क्षीण हुआ है, अब सत्वगुण में जो है वो सत्वगुण से थोड़ा छलांग लगाना है। गुरु अंगद देव ने मानो अमरदास को स्वीकार कर लिया। वो आदमी धनभागी है जिसको कोई ब्रह्मवेता स्वीकार कर ले। जय राम जी की। वेदव्यास जी महाराज ने किसको स्वीकार कर लिया? जय राम जी की। जननी जने तो भक्त जन का दाता का सूर। एक सूरा तो युद्ध के मैदान में है, दूसरों को पछाड़ता है, लेकिन ये सूरा ऐसा है कि दूसरों को पछाड़ते नहीं, दूसरों के दिल में छुपे हुए दिलबर को जगाकर आनंद बांटते और बंटवाते।
महाराज अंगद देव के उपदेश अमरदास को लगे और अमरदास ने अमर तत्व की झलके पाई। बाद में अंगद देव की गद्दी संभालने का अवसर गुरु अमरदास को मिला। ये सिख धर्म की गाथा को जानने वाले लोगों को पता है। भगवान शिव कहते हैं कि कोई शिव की पूजा करे, कोई विष्णु की पूजा करे, लेकिन जब तक गुरु तत्व को नहीं जाना तो अभी बालक। गुमाना अंधकार, रूमाना प्रकाश, अविद्या अंधकार से हटाकर हमें आत्म प्रकाश की तरफ ले चले, उसे गुरु बोलते। सतपुरुष पिछानिया सतगुरु ताका नाव, सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट। तुलसी तुलसी क्या करो तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की तो हो गए तुलसी दास। सियावर रामचंद्र की।